जी, मैं कामरान लाशारी हूँ, एक सिविल सर्वेंट हूँ जो रिटायरमेंट के बाद एज डायरेक्टर जनरल वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी पिछले 8-10 साल से काम कर रहा हूँ लाहौर में। मैं इस वक्त आपसे लाहौर वॉल्ड सिटी के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोजेक्ट है। ये जगह जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये वज़ीर खान चौक है, क्योंकि ये पसे पुश्त है इसके वज़ीर खान मस्जिद, जो कि इस्लामी ममालिक की मैं समझता हूँ कि खूबसूरत तरीन हिस्टोरिक तारीखी मसाजिद में से एक है। वक्त के साथ मस्जिद के हालात कुछ ख़राब होते गए, इसकी खस्ता हाली को देखकर हुकूमत पंजाब ने वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको आगा खान ट्रस्ट ने पार्टनरशिप की और हमने सारी जगह की बहाली का प्रोग्राम बनाया, जिसमें से तकरीबन आधा काम हो चुका है, आधा रहता है। मस्जिद वज़ीर खान का नाम जो है वो वज़ीर खान जो कि गवर्नर थे लाहौर के शाहजहां के ज़माने में, लाइक 1628 और समथिंग लाइक दैट, उस वक्त से ये मंसूब है। इसकी अपनी एक ज्योमेट्रिक है, अपना एक आर्ट वर्क है, जिस वजह से ये बहुत शोहरत और एक हैसियत रखती है। लेकिन इतनी दिलकशी के बावजूद इस मस्जिद के हालात जो थे आज से 5-7 साल पहले, वो अगर आप देखते तो आपसे ये जगह पहचानी ना जाती, क्योंकि इस पर कम से कम 65 दुकानें थीं जो एक सिरे से चलकर आगे तक ये नॉर्दर्न साइड बाज़ार की तरफ भी चली जा रही थी, और उससे चेहरा जो था मस्जिद का वो मसक था। दूर से आया हुआ टूरिस्ट जो है वो मस्जिद को देख भी नहीं पाता था। और उसके अलावा ये एक चौक था जो रोड लेवल पर था, एक खुला चौक। अंदरून लाहौर में तो 1-1 इंच पर लोग जगह नहीं छोड़ते, तो यहाँ पर भी जो थे गाड़ियाँ और कार्ट्स, रेडियाँ, रक्षे और फ़कीर और पानी और गंद फैला रहता था। सो किसी को मस्जिद की दहलीज तक ले जाना भी जो था वो एक शर्मसार सी बात थी। इसके जो हुजरे हैं जिनको आप अभी देखेंगे, यहाँ पर वेल्डर्स बैठे हुए थे, खरादियों का काम हो रहा था, वेल्डिंग का काम हो रहा था। तो फिर हमने औकाफ डिपार्टमेंट से बात करके इस जगह को बहाल किया। यहाँ के तमाम जो लोग थे, दुकानदार हों 65 या ये हुजरे वाले हों, इन सब को कॉम्पनसेशन की गई और इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया। फिर जैसे मैंने कहा कि आगा खान ट्रस्ट के साथ मिलकर हमने इसकी चौक की, जिसमें US एम्बेसडर फंड भी थोड़ा शामिल है, इन जगहों को ठीक करना शुरू किया। ये जो आप घर देख रहे हैं, हम इनको ब्लू हाउसेस भी कहते हैं, इनको हिस्टोरिक हाउसेस भी कहते हैं। ये भी औकाफ की प्रॉपर्टी है जिसको अब हमें सब लीज़ कर दिया गया है वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को। लेकिन यहाँ पर भी कुछ किराएदार ऐसे थे जो इस घर के लिए आप यूँ समझें कि मुश्किल का बायस बने हुए थे, उनको भी कॉम्पनसेट करके इसको अपनी तहवील में लिया गया है और अब एक रेस्टोरेंट की शक्ल ये हासिल करेगा, जहाँ रूफ़ टॉप पर बैठ कर टूरिस्ट जो हैं, सामने ही बिल्कुल साथ मुंसलिक है मस्जिद, इसको रोशन कर दिया गया है। यहाँ पर ये हुजरे जो हैं इनमें बड़े नामवर लोग जो हैं वो आए हैं, जो क्राफ्ट्स का काम लेकर आए हैं। कुछ मुकामी लोगों को भी हमने हुजरे दिए हैं ताकि ये क्राफ्ट्स बाज़ार के तौर पर, और ये अब मरकज़ बन गया है टूरिस्ट के इंटरेस्ट का, वो उनके लिए दिलचस्पी की सारी चीज़। जहाँ हम बैठे हुए हैं ये एक स्टेज बनाया गया है, ये एक मुस्तकिल स्टेज है, और यहाँ सामने इस सहन में ये बड़ी बात है, मैं इसको कहता हूँ स्मॉल लिटिल मिरेकल हैज़ हैपन्ड इन द वॉल्ड सिटी, कि इस चौक को जिस तरह प्रोटेक्ट कर लिया गया है एज अ कम्युनिटी एरिया, क्योंकि अब आप कोई गाड़ी रक्षा लाना भी चाहें अंदर नहीं ला सकते, वो सिर्फ सीढ़ियों का एक छोटा सा एक एक्सेस है, एक एरिया है जिससे आप नीचे आते हैं। सो अब कंट्रोल मुमकिन है। इसको सड़क लेवल से ओरिजिनल लेवल पे 10 फुट नीचे ले जाया गया है, और अब यहाँ बैठने का, यहाँ पर कवाली का, सूफ़ी म्यूज़िक, गाना, नात शरीफ, और जो है टूरिस्ट के आराम करने की जगह, घूमने फिरने की, वो बन गई है। इसके साथ ही जो मुंसलिक है सड़क के साथ वो है दीना नाथ का वेल। रंजीत सिंह थे, उनके ये वज़ीर थे और उनके नाम से ये कुआं है। इसकी बुरी हालत होती थी और इसकी इंक्रोचमेंट थी, उन सारों को क्लियर किया है। वहाँ साथ जो लगी दुकानें थी उनका बुरा हाल था, बेतरतीबी, गलाजत और एक बेहंगमपन को एक तरतीब, तरीके, तमीज़ और सलीके में ले जाने का ये सारा प्रोजेक्ट है। अब कुछ दुकानें जो हैं वो डिज़ाइन होकर सामने आई हैं तो वो बहुत अच्छी लगने शुरू हुई हैं। इसी तरह तमाम दुकानों को और पीछे बैकड्रॉप में जो मकान हैं उनको भी हम एक तारीख़ी शक्ल में लेकर जाएंगे और इसके यहाँ पर डिज़ाइन करके जगह को एक एक उसका सिस्टम बनाएंगे कि किसने कहाँ बैठना है। यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी बेशुमार आते हैं और रोज़ाना यहाँ पर एक रौनक और ख़ुशी का मुकाम रहता है। जो भी यहाँ आता है वो लाहौर की तारीख़, इसकी सकाफ़त से मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। इस जगह को मैं समझता हूँ कि आइंदा दिनों में इस चौक को पूरे को एक टूरिस्ट हब जो है वो डेवलप हो जाएगा और ये लाहौर की सिर्फ़ इमारतों की ही बात नहीं करता। ये जगह ये लाहौर के हुस्न, लाहौर के लोगों की, लाहौर के रवायात की, खाने पीने की, उनके रहने सहने, उठने बैठने, तौर तरीके की भी बात करता है। जो जो असल हुस्न किसी जगह का होता है वो उसके लोगों से होता है और यहाँ के लोग कितने मिलनसार हैं, कितने पुरजोश हैं, कितने खुले डुले हैं, कितने हंसी मजाक में आपसे मिलते हैं, ये लाहौर का ख़ासा है।